हिमवन में कभी दो वानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चुल्लनंदक था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए नए के फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसलिए वह हिम्बा के वन में ही रहा करती थी। दोनों ही वानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे, अतः वे नए वन से भी अपने अनुचरों के हाथों अपनी माता के लिए फलादि भिजवाते रहे। कुछ दिनों के बाद जब दोनों वानर बंधु हिम्बा स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वह बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी और रुग्ण माता तक नहीं पहुंचा थे, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही चट कर लिए थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों वानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्धा माता, जिसे आंखों से भी कम दिखता था, उस व्याध को नहीं देख सकी। व्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराश्रय का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकाला जा चुका था। जैसे ही व्याध की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राणों की रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याध, तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी माता का संहार न करो। व्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट व्याध ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मरकटी पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस बार छोटा भाई चुल्लनंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को न मार। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चुल्लनंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकश से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी भेद डाला। तीन बंदरों का शिकार कर वह व्याध बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथा शीघ्र वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन ने नहीं स्वीकारा। फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने तीर, शिकार व अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई पांस भरभरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपर्युक्त घटना चक्र का आंखों का वृतांत सुनाया। उनका कहना था कि ज्यों ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी जिसमें वह स्वाहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की यह बात अवश्य दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वे शिक्षा, बनो श्रमरादी और करो नहीं कभी ऐसा जिससे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।